तूने एक डायरेक्ट मेहरारू बन गई अब इनका तो। हाँ तो क्या हो गया, हाँ तो क्या हो गया। उतने ही शिद्दत से हम पति का किरदार भी निभा रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रहे आप दोनों को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पाली जी वीडियो देख रही हैं। हाँ अच्छी बात है। रिकू जी कैसी हैं? बहुत अच्छी। अभी सोशल मीडिया बहुत हल्ला है कि आर्मी की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन आर्मी के ड्रेस कहाँ है आप दोनों का? अरे हम लोग पार्टी मनाने आए थे ग्राउंड में। अच्छा पार्टी मना रहे थे, हम लोग पकड़ लिया आज बीच में आपको। हाँ तो हम लोग चले जाएं? नहीं 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 कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं। हाँ भैया डिस्टर्ब नहीं कर रहे आप दोनों को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पाली जी वीडियो देख रही हैं। हाँ अच्छी बात है। और हम लोगों की तो पार्टी भी ऐसी ही होती है ना कि पार्टी और पिकनिक कैसी होती है कि घर पे भी सब लोग बोलते हैं कि कहीं घुमाने ले चलिए, कहीं पार्टी में ले चलिए। तो हम उनसे यही कहते हैं कि देखिए हम एक्टरों का जीवन ऐसा है कि हमारी रोज़ पार्टी है और रोज़ पिकनिक है, तो आप लोग चलो हमारे सेट पे। और कभी हम अयोध्या में रहेंगे, कभी बनारस में रहेंगे, कभी हम लंदन में रहेंगे, कभी हम मुंबई में रहेंगे। आप घूमिए, जितना घूमना है घूमते भी रहिए, पार्टी भी करते रहिए। आर्मी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुजीत जी लॉकडाउन के बाद पहली बार फिल्म आपके साथ काम कर रहे हैं। मेरे सुजीत भैया के साथ में बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है मेरे साथ में। हम लोगों ने कई फिल्में साथ में किया। जब सुजीत भैया सहायक निर्देशक थे तब 8-10 फिल्में किया उन्होंने मेरे साथ में। और हम दोनों की बड़ी इच्छा थी कि हम साथ में काम करें जब वो इंडिपेंडेंट करने लगे। तो बहुत दिन से हम दोनों भाई चाह रहे थे, पर संजोग अब जाके बना है, लॉकडाउन के बाद बना है। और बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट उन्होंने सुनाया मुझे आर्मी की। तो मेरा तो सपना ही था बचपन से कि मैं आर्मी में जाऊं, पर हाइट छोटी पड़ गई तो मैं नहीं जा पाया। तो वो सपना जो है वो फिल्मों में मेरा पूरा हो रहा है। भी आप रियल हीरो हैं, आप आर्मी में नहीं जाके भी बहुत हेल्प करते हैं सबकी। सर आपने बॉर्डर जैसी भी मूवी की है, तो किस तरह की डिफरेंट रहेगा? आर्मी और बॉर्डर एक दोनों एक ही लाइन पे आती, तो ये कहानी और ये लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म बिल्कुल अलग इस तरह से होगी कि बॉर्डर में मैंने जो किया था वो एक किसान का बेटा था और उसका भाई फौजी था, और फौज में है कुछ प्रॉब्लम होती है, वहाँ से उसका भाई पकड़ा जाता है, दुश्मन पकड़ लेते हैं, और फिर इसको कुछ नहीं सूझता है तो ये आर्मी ज्वाइन करता है, मेहनत करता है, और फिर कैसे जा कर के अपने भाई को छुड़ा के लेके आता है, वो कहानी थी बॉर्डर की। पर आर्मी जो है वो ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें सुजीत जी ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ आर्मी की नहीं है, हम सबका कर्तव्य है कि जब भी हम जहाँ भी रहें, अगर हमारे देश पे या हमारे देश के नागरिकों पे किसी तरह की कोई भी बात आती है तो हमें एक सिपाही की तरह खड़ा हो जाना चाहिए। ये कहानी है आर्मी की। फिल्म के प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का क्या कुछ खास बताना चाहेंगे? खास बात ये है कि सबसे पहली बात तो हम और सुजीत भैया दोनों ही जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तब से साथ में काम कर रहे हैं। और कल ही सुजीत भैया ने एक ऐसी फ़ोटो दिखलाई जिसमें सुजीत भैया भी एकदम कौले हैं, मैं भी एकदम कौला सा हूँ। दोनों फ़ोटो देखा, मैं बोला भैया भेजिए मुझे, ये तो एकदम नए नए आए थे तब का फ़ोटो है। तो इतने लंबे समय से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, और मेरा एक बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं जब इंडस्ट्री में आया और डे वन जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, आज भी वही लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और वो लोग ना मुझे छोड़े ना मैंने उन लोगों को छोड़ा। तो ये तो हुआ मेरे डायरेक्टर के बारे में। मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो खुद राइटर हैं, और उन्होंने जब स्टोरी मुझे सुनाई तो मैंने एक मिनट नहीं लिया और मैंने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, आप कीजिए। मुरली जी हिंदी भोजपुरी मराठी सारी फिल्में कर चुके हैं, और फिर से आपको लेकर बड़ी सेटअप के साथ काम शुरू किए हैं लॉकडाउन के बाद। तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी सारी भाषाओं में फिल्म करने के बाद उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं भी उनके साथ काम करूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस फिल्म में। और ताजुब की बात है कि आज उनका जन्मदिन भी है। आज इसमें ताजुब की बात क्या है, ये तो खुशी की बात है। आज जो है जो अभी आपने कहा कि आप लोग यहाँ पार्टी मना रहे हैं, तो ये पार्टी दरअसल हमारे प्रोड्यूसर साहब के जन्मदिन की ही पार्टी बन रही है। वाह क्या बात है, चलिए राज खुल गया फिर। राज खुल गया। तो आप क्या कहेंगे कि दिनेश जी के साथ वर्क कर रही हैं? मैं सर के बगल में खड़ी हूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कभी और आज भी है वो इज्जत। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है?
ओरिजिनल दिनेश जी है ना। हाँ, ओरिजिनल दिनेश जी थे। और मैं भी इंडस्ट्री में आई थी, मेरा सपना था कि सर के साथ कभी, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे इस काबिल समझा कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, और दिनेश जी का नाम सुन के ही आई वॉज लाइक जिगर से ही। तो सुने हैं कि डायरेक्ट मेहरारू बन गई अब इनका तो। नहीं डायरेक्ट नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, किरदार बहन बनी, बाप बनी। ये देखिए, ये सबसे खास बात यही है, ये हमारी फिल्मों का सबसे खास बात है, और एक कलाकार के लिए कि हम लोग कभी बहन भाई का किरदार निभाते हैं, कभी पति पत्नी का किरदार निभाते हैं, कभी हम लोग माँ बेटे का भी किरदार किसी फिल्म में करना पड़ता है, तो कलाकार का तो यही जीवन है, ऐसे ही चलता है। जिगर में आई थिंक काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि बहन का रोल मत करो, बट आई वॉज लाइक दिनेश जी हैं तो मैं डेफिनेटली करूँगी। आलोक सर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो मुझे जैसे ही ऑफर आया और एक घंटे के अंदर मैंने हाँ बोल दिया, कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बजट करना है, एंड इसमें भी आई एम सो ब्लेस्ड, मेरा सच में सौभाग्य है कि मैं। मुझे भी इन्होंने कहा था ये बात कि मुझे डर तो लग रहा है क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि बहन का रोल कर रही हो तो फिर तुमको कौन हीरोइन लेगा उनके अपोजिट। तो मैंने बोला कि देखिए क्या है कि अगर एक अच्छा कलाकार है और अभिनय क्षमता है उसके अंदर, तो वो अपने अभिनय के दम पे ही पर्दे पे दिखा पाता है कि जब बहन भाई का किरदार कर रहे हैं तो सबको भरोसा होना चाहिए कि ये बहन भाई ही है, और जब पति पत्नी का किरदार निभा रहे हैं तो लगना चाहिए पब्लिक को कि ये पति पत्नी ही है, मतलब जो झूठ है वो सच लगे, यही तो है अभिनय। तो हमने कहा ऐसा आप मत सोचिए, आप बहुत अच्छा अभिनय करती हैं और हम लोग साथ में फिल्म ऐसी भी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और आज जब हम लोगों का 2 गाना शूट हो चुका है तो मुझे लगता है कि अभी आप भी इस बात को मानेंगी कि जितना शिद्दत से हमने भाई का किरदार निभाया था उतने ही शिद्दत से हम पति का किरदार भी निभा रहे हैं। अच्छा, गाने के बारे में क्या कहेंगे, गीत और संगीत के बारे में क्या? गीत संगीत तो देखिए, ओम झा का नाम आ गया, बस नाम ही काफ़ी है उस आदमी का, इतना अच्छा गाना बनाते हैं कि आज सभी लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। और वो भी जब आए थे स्टार्टिंग में तो ओम झा जी भी कहते थे कि आपके साथ मुझे फिल्में नहीं मिलती है, मैं बहुत फिल्म कर रहा हूँ लेकिन आपके साथ नहीं मिलती है। तो मैंने कहा भैया ये संजोग की बात होती है, ये हर कोई मुझसे बात कहता है, पर ये सही है कि जब काम शुरू होगा तो फिर रुकेगा नहीं, इतना काम हम लोग साथ करेंगे कि आप देखिएगा। और आज मुझे लगता है कि मेरी लगभग सारी फिल्में वही कर रहे हैं। सर एक सवाल मेरा भी है जी, मुंबई के तर्ज पर हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भी, वहाँ की सरकार एक फिल्म सिटी बनाने जा रही है, तो वो कब तक उसमें संभावनाएं दिख रही हैं? वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, और मुझे लगता है कि बार बार इस सवाल इसीलिए उठता है कि मुंबई की फिल्म सिटी पे इससे क्या असर पड़ेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितनी भी फिल्म सिटी बन जाए तो मुंबई तो स्वप्न नगरी है और स्वप्न नगरी रहेगी, हर किसी के लिए रहेगी, हमारे लिए है, सबके लिए है। तो कितनी भी फिल्म सिटियाँ बन जाए पर ना मुंबई की फिल्म सिटी बंद होगी ना वो हैदराबाद की फिल्म सिटी बंद होगी। हाँ, ये बात अच्छी है कि जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है वो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, सिर्फ यूपी के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी बन रही है, जो जिस फिल्म सिटी पे पूरे भारत को गर्व होगा। जैसे योगी जी वहाँ सब्सिडी देते हैं, तो क्या महाराष्ट्र सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ भी उस तरह की व्यवस्था शुरू? मैं तो हर सरकार से कहता हूँ, मैं तो नीतीश जी से भी कहता हूँ कि बिहार में भी शुरू करें, मैं महाराष्ट्र में भी कहता हूँ यहाँ भी शुरू करें, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ सब्सिडी मिलती है वहाँ ज़्यादा फिल्में बनती हैं, वहाँ के लोकल कलाकारों को ज़्यादा काम मिलता है, तो बाकी राज्य के जो कलाकार हैं उनको डायरेक्टर कहते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो बोलते हैं हमारा घर बिहार है, बोलते ना तो इसमें तो सब यूपी वाले हैं। तो ये सुन के मुझे भी बड़ा ख़राब लगता है कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उनकी भी मजबूरी है, जहाँ उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वहाँ वो शूट कर रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी और बिहार गवर्नमेंट से भी कि जैसे बाकी राज्यों में सब्सिडी है आपको भी शुरू करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोकल कलाकार और टेक्नीशियंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ लोग काम करें और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और आप लोगों को दुआएं मिलेगी। और सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, चारों तरफ चर्चा है कि आप किसी हिंदी वेब सीरीज़ के लिए आपको आपसे संपर्क किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, बहुत सच्चाई है। पहले तो मैं जो पहली हिंदी कर रहा हूँ वो वेब सीरीज बाद में है, पहले मैं हिंदी फिल्म कर रहा हूँ जो संजय मिश्रा जी के साथ है, और मेरा बड़ा मन था कि मेरी एक फिल्म जो है संजय मिश्रा जी के साथ आए,
तो उन्होंने डेट दे दिया है जून में, हम लोग 1 जून से शूटिंग करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म की, जो मैं संजय मिश्रा जी के साथ। धन्यवाद सर।